Assalamu alaikum everyone. You are watching my YouTube channel Umar Think. Asia Cup 2023 के analysis के साथ एक दफा फिर हाजिर हूँ मैं। कल रात मैच हुआ इंडिया वर्सेस नेपाल और बारिश इफेक्टेड मैच रहा लाइक एवरी अदर मैच, बट नेपाल ने अच्छी खासी धुलाई की इंडियन बॉलर्स की। 230 का अच्छा टारगेट सेट किया, फिर इंडियंस को टारगेट मिला 23 ओवर्स में 145 चेस करने का, तो फिर उसके बाद डोमिनेट किया इंडिया ने बैटिंग में और ओपनर्स ही स्कोर को चेस करके और 10 विकेट्स इंडिया मैच जीता। तो ये पॉजिटिव है एक साइड पे इंडिया के लिए कि उनके ओपनर्स क्लिक कर गए हैं, बट ऑन दी अदर हैंड उनके बॉलिंग को सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह परफॉर्म करेंगे अगले मैचेस में, आगे मैचेस बड़े होंगे। तो ये तो था मैच का रिजल्ट। आज मैच है श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, डू और डाई सिचुएशन है दोनों टीम्स के लिए। अगर श्रीलंका जीता है तो क्वालिफाइड है, साथ बांग्लादेश भी क्वालिफाई करेगा, और अगर अफगानिस्तान जीता है तो फिर रन रेट पे तीनों में से कोई दो टीम्स आगे जाएंगी। और उसके बाद 6 सितंबर को पाकिस्तान का मैच है इन्हीं ग्रुप बी में से जो भी टीम आगे आती है उनके साथ। ये तो सिचुएशन थी इस वक्त एशिया कप की, बट अभी तक जो हालात हैं कोलंबो के, बारिश बहुत ज़्यादा है। PCB ने तो कल अनाउंस कर दिया कि हमारे मामला तय पा गए हैं ACC के साथ और मैचेस मूव हो रहे हैं हेम्बनटोटा में। हेम्बनटोटा एक जंगल में नेशनल पार्क के अंदर एक स्टेडियम है जहां पे पाकिस्तान ने भी रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ पहले दो ODIs खेले थे, जिसमें पहले में वो 59 पे ऑल आउट किया था पाकिस्तान ने उनको। सो बहुत ही अच्छा ये एक डिसीजन है अगर ये मूव हो जाए, बट वहाँ पर जो अभी इशू आ रहा है वो है लॉजिस्टिकल इशू। वहाँ से तकरीबन 45 मिनट्स दूर ही कोई बहुत अच्छा होटल अवेलेबल है, मगर उसमें 4 टीम्स को ठहराना, ऑफिशियल्स को, कमेंटेटर्स को, स्पोर्ट्स स्टाफ को ठहराना, उनके लिए रूम्स ऑक्यूपाई रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है श्रीलंका के बोर्ड के लिए। तो अब देखते हैं ये किस तरह होता है। डम्बोला की बात हुई थी तो डम्बोला में वो कहते हैं कि उसकी फ्लड लाइट्स इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ पर मैचेस मूव किए जा सकें, क्योंकि लास्ट मैच वहाँ पर जो डे नाइट हुआ वो 2018 में हुआ था, बट इस वक्त वो सबसे ड्राइस्ट एरिया है उनका एज़ पर रेनफॉल। और यहाँ पे हेम्बनटोटा में भी रेनफॉल है बट बहुत ज़्यादा कम है बनिस्बत कोलंबो और पालेकेले। तो अब देखते हैं ये मैचेस कब तक अनाउंस किए जाते हैं हेम्बनटोटा में, बट अगर रिमूव हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टेडियम वो बहुत खूबसूरत है, बट लॉजिस्टिकल इशू इज़ द मेन थिंग कि वहाँ से ट्रैवलिंग का ज़रा इशू होगा प्लेयर्स को स्टेडियम आने और जाने का, और देखते हैं अब इस पर क्या डिसीजन होता है। बट PCB ने ऑफिशियली कल न्यूज़ में बता दिया है कि हमारे मामला तय पा गए हैं और हम मैचेस को हेम्बनटोटा में शिफ्ट कर रहे हैं। सो ये तो थी मेन अपडेट एशिया कप की। अब आगे देखते हैं मैचेस किस तरह होते हैं। बहुत अहम मैचेस आ रहे हैं 10 सितंबर को जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है, अगर तो वो हेम्बनटोटा में होता है सो उसका फिर सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा कोलंबो से भी। उसमें मे भी हेम्बनटोटा में पेस को सपोर्ट करे ज़्यादा पिच और स्पिन को भी, तो देखते हैं कैसा रहता है ये एशिया कप। अभी तक तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, इंशाल्लाह कल इसमें कोई अपडेट आती है तो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। तब तक के लिए दिस इज़ उमर ज़फ़र साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।